जब हम छोटे होते थे स्कूल के अंदर, तो हमारे पास बहुत सारे कंपटीशन वाले आते थे कि ड्राइंग कंपटीशन, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन, डैश कंपटीशन, डैश कंपटीशन, ऐसे राइटिंग कंपटीशन, ऐसे बहुत सारे कंपटीशन आते थे, शायद आपको भी याद होगा। तो कभी आपने सोचा है वो क्यों होता था? क्या वो CSR एक्टिविटीज होती थी, मतलब कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर करती थी ताकि वो लोगों में सर्टिफिकेट बांट सके, या फिर वो एक अच्छा बिजनेस मॉडल था? आज हम इस बारे में बात करते हैं। तो स्टार्टिंग से कैलकुलेशन करते हैं, 5000 के आसपास दिल्ली के अंदर इस टाइम स्कूल्स है, 5000 स्कूल्स को इकट्ठा टारगेट नहीं कर सकते आप, मैं मान के चलता हूं आपने सिर्फ 1000 स्कूल्स को टारगेट किया, 1000 स्कूल्स भी मान के नहीं, 500 स्कूल्स को टारगेट किया, 1000 भी ज्यादा हो जाता है, 500 स्कूल्स को टारगेट किया। हर एक स्कूल के अंदर एटलीस्ट 1000 बच्चा तो होगा, तो तकरीबन आप 500000 बच्चों को टारगेट कर रहे हो। अब आपको क्या करना है, सबसे मात्र 30 रुपए की फीस लेनी है, तो आपके पास कितने रुपए आ गए, 1.5 करोड़ रुपया। ठीक है, अब आपके पास 1.5 करोड़ रुपया आ चुका है, अब कुछ खर्चा भी तो होगा इसके अंदर। आप सबको सर्टिफिकेट देने वाले हो, मैंने बहुत बार प्रिंटिंग करवाई है सर्टिफिकेट्स की, मुझे पता है सर्टिफिकेट की कॉस्ट क्या आती है, कुछ नहीं है, स्टैंप ही तो मारनी है, प्रिंट आउट ही तो निकलवाना है। तो 10 बंदों की आपने टीम रखी है, मान के चलते हैं आप सबको कुछ 15000 रुपए की सैलरी दे रहे हो, तो भाई वो एटलीस्ट एक महीने के अंदर 500 स्कूल तो कवर कर लेगी, वो स्कूल के ऊपर में बंदा एक जा रहा है तो 25 दिन वर्किंग लेके चल रहे तो भी हो जाएगा। ठीक है, आपने टोटल सैलरी कितनी बांट दी, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लेके चलते हैं, चलो पेट्रोल का खर्चा वर्जा भी आ रहा है, आपने खाने पीने के एक्सपेंसेस भी दे रहे हो, 2 लाख की आपने एक तरह से सैलरी दी है, मान के चलते हैं 1 लाख रुपए के आपने सर्टिफिकेट प्रिंट करा दिए है, अपनी ब्रांडिंग कराई है, स्कूल के अंदर जाओगे कुछ ब्रोशर कैटलॉग कुछ तो दिखाओगे, कहीं पर जाके आपके जो 10 बंदे जा रहे हैं वो स्कूल के अंदर कहीं पर जाके कुछ चिपकाएंगे तो सही, एक ही चीज लेके जाएंगे, उसको चिपकाएंगे उतारेंगे और वो हर जगह पे लेके जाएंगे, तो 1 लाख रुपए मान के चलते उसके अंदर भी लगा दिया आपने। और आपने क्या किया कि जो बच्चा जीतेगा ना, जो नंबर 1 पे आएगा, मैं उसको 1 लाख रुपए का कैश प्राइज दूंगा। 1 लाख रुपए का कैश प्राइज बहुत होता है, वो सोचेंगे 30 रुपए में 1 लाख का मिल सकता है, चलो चल लेते हैं। तो 1 लाख का कैश प्राइज फर्स्ट को देते हैं, सेकंड को हम देते हैं 50 का, और थर्ड को हम देते हैं मान के चलो 10,000 का। तो हमने 1,60,000 यहां लग गए मोटा मोटी, और मान के चलते 5 लाख रुपए तक का हमने खर्चा कर दिया, तो बाकी बचा हुआ सारा का सारा हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब लॉजिकली सोचो, ये CSR एक्टिविटीज है या फिर एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है? इससे ज्यादा रिटर्न रेट वाला कोई बिजनेस मॉडल कभी आपने सुना हो तो मुझे बताना नीचे कमेंट के अंदर। और लॉजिकल है, सबको लग रहा है कि कितना अच्छा है सब कुछ, रिवेन्यू आपसे वाइट में आ रहा, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी, कोई दिक्कत है कमेंट में पूछ लेना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना, नीचे दोस्तों से भी इसको शेयर करना, उनको पता लगे भाई बचपन के अंदर जो हमने 20-30 रुपए देके अजंता पेंटिंग कॉम्पिटिशन की है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते थे, मुझे नाम भी याद नहीं, स्लोगन राइटिंग वो फलाना, एक के अंदर तो मुझे अवार्ड भी मिला था, मैं बड़ा खुश था, पर आज मैं सोचता हूं तो भाई वो एक तरह से हमारा काटा गया था। बाय, गुड नाइट, शबा, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।